कपड़े साफ करते समय ये सीक्रेट चीज डालते हैं जो धोबी भी नहीं बताते, ये सीक्रेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज छोटे छोटे टिप्स देख लेते हैं और सबसे बड़ी बात है एक सीक्रेट चीज देख लेते हैं जिसको आप कपड़े धोने के टाइम इस्तेमाल करते हैं धोबी और किसी को नहीं बताते है। तो चलिए बढ़ते हमारे यूजफुल वीडियो में। पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। शेयर करने से सभी लोगों के पास छोटी छोटी चीजें पहुंचते हैं और वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाते हैं। आप मेरी वीडियो में अगर नए हैं तो आप मेरी वीडियो अगर पसंद करते हैं तो एक लाइक कीजिए। चैनल में नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशन के लिए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम शेयर कर ली, प्लीज कमेंट में बताए ताकि मैं आपको थैंक्स बता सकूं। आप अपने कीमती समय देकर मेरी वीडियो को देखते हैं, सारे दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया। तो देर ना करके चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे बहुत ही यूजफुल टिप्स। तो दोस्तों जब भी हमारे घर पे कैचअप होती है, जब भी कैचअप हमारे कोई भी खाने में आ जाती है जैसे कि पफ में आ जाती है, बर्गर पिज्जा कहीं पे भी, ये पाउच वाले कैचअप घर पे पड़े रहते हैं और ये पाउच वाले कैचअप का हम हमेशा अनदेखा करते हैं तो यूज नहीं करते, इधर उधर पड़ा रहता है, एक्सपायरी डेट निकल जाता है, टाइम निकल जाती है और हम इसको डस्टबिन में डाल देते है। कभी कभी बच्चे भी इसको चुरा के ले जाते है खाने के लिए, लेकिन इनको बिल्कुल मत दीजिए। इसका काम कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जब भी हमारे घर पे पुराने कैचअप होती है इसको फेंकने की गलती कभी ना कीजिए। ये छोटे छोटे पाउच की कैचअप हमें बहुत ही हेल्प करेगी। तो हम क्या करेंगे, कैचअप हम यहाँ पे निकाल देते हैं और हमारे घर पे जितने भी जो धार वाले चीज होती है जैसे कि हमारी ये चाकू हो गई किचन में, और घर पे जो कैची होती है सिलाई वगैरह करते हैं जो लोग, उनके जो बड़े बड़े कैची होते हैं वो कैची हो गए, जो हमारी ये चाकू हो गए और धार वाले चीजें जो भी आपके पास है, एक बात कीजिए, एक काम कीजिए, इसके ऊपर कैचअप लगा लीजिए। लगाने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से लगाइए ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ, जो धार वाले चीजों को आप लगा सकते हैं। आपके घर में काटने की जो भी धार वाली चीजें आप उसमें लगा लीजिए, लगा के छोड़ दीजिए, बस इतना ही काम है आपको। हाथ को थोड़ा आप हम काम पे लगाते हैं, इसको थोड़ा ऊपर नीचे लगा लेते हैं जो भी हमारे घर पे कैचअप, जितनी पुरानी कैचअप होती है। और हाँ, कैचअप हमेशा बच्चों से आप दूर रखिए प्लीज, कैचअप बहुत ही बुरी चीज होती है बच्चों के लिए। तो छोड़ने के बाद 5-7 मिनट छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, जूने से इसको थोड़ी सी साफ कर लीजिए, बस इतना ही। जूना नहीं है तो आप फॉइल ले लीजिए, एल्युमिनियम फॉइल, इसको गोला बना लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा घिस लीजिए, बस उतना ही काम है। आप सोच नहीं सकते आपकी जो चीजें जो काम करने के लिए आप बाहर जाते है पैसे देते है उसका काम आप घर पे हो गया। जो कैचअप को फेंकने वाले हैं, जो फॉइल पेपर को फेंक देते हैं पुराने वाले, उसी से थोड़ा घिस लीजिए और आपकी जो चाकू छुरी आपकी कैंची कुछ भी होता है वो ऐसे धार कम हो जाती है उसमें, और ये काटने की दिक्कत बहुत होती है हमें। तो ये घर पे मुफ्त में हमारी धार हो गई, इसका काम धार वाला काम हो गया। तो देखिए कितना शाइनिंग करा है ये हमारा चाकू छुरी, कितना। घर पे जो भी है उसको क्या कीजिए, फिर गर्म पानी में इसको धो लीजिए, गर्म पानी में इसको धो लीजिए ताकि ये थोड़ा जम्स फ्री हो जाए और गर्म पानी में चिकनाई भी हट जाती है। इस तरह से देखिए, पूरा गर्म पानी नहीं, थोड़ा गुनगुना पानी में आप इसको धो लीजिए। फिर उसके बाद आप जितनी भी सख्त चीजें हो काट सकते हैं और चाकू छुरी बहुत ही अच्छे से धार हो जाती है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है और पैसों की खर्चा तो बिल्कुल नहीं है। घर पे जो चीज है उसी से हम अपने काम को फटाफट निपटाते हैं और हमारे काम को रियूज पे लगा लेते हैं। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो, लेकिन हर किचन में हर घर पे इसको काम पे लोग लगाए ताकि ये आपकी हर तरह की मुसीबत की आसान कर दे, और जो सिलाई मशीन की जो कैंची वगैरह होती है सबकी मदद बहुत ही अच्छे से हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगले हमारे यूजफुल टिप्स की तरफ दोस्तों। तो सेकेंड वाला टिप्स हमारा देखिए टूथपेस्ट को लेकर है। टूथपेस्ट जब भी हमारी खत्म हो जाती है हम क्या करते हैं, इस तरह से हालत हो जाती है, इसको हम निचोड़ के जैसे निकाल लेते हैं फिर भी उसमें नहीं निकलती है तो हम इसको फेंक देते हैं। जब भी इमरजेंसी में बोल रही हूँ, मतलब हमें टाइम नहीं है जाने के लिए, इस तरह से हमारे टूथपेस्ट की ट्यूब की हालत है, हमें ब्रश करनी है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, हमारे चकला लेंगे और चकले को इसके ऊपर अच्छे से रोल करेंगे, तो जैसे पूरा दबा के करेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत टूथपेस्ट लग के रहती है अगल बगल वो आ जाए ऊपर मुंह के पास, और फिर भी नहीं आता है तो फिर भी थोड़ा सा आप इसको बेल लीजिए, देखेंगे थोड़ा टूथपेस्ट आगे आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आ गया, तो हम इस पे ब्रश लगा के
तुरंत ब्रश कर सकते हैं, बाद में जाके हम टूथपेस्ट खरीद सकते हैं, लेकिन इन वक्त पर हमें ये टिप्स, हमें ये ट्रिक्स बहुत ही मदद करता है टूथपेस्ट निकालने में, और जो कि बच्चों की हो, बड़ों की हो, किसी को भी, हम तो एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन बच्चे एडजस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए थोड़ा हमें करना पड़ता है। तो बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला यूजफुल टिप्स और भी हेल्दी है और हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद है। देखिए दोस्तों, आए दिन डेली हम 2 बार ब्रश करते हैं, और जितना भी नया ब्रश आप लेकर आते हैं, थोड़े दिन के बाद इसके ब्रिसल्स बहुत ही जल्दी खराब होते हैं, और स्पेशली बच्चों के ब्रिसल्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और बच्चे ब्रश करते टाइम ब्रश कम करते हैं और ब्रश को चबाते ज्यादा है, इससे कि उनकी ब्रश बहुत जल्दी खराब होते, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन में खराब हो जाती है। उसको थोड़ा बहुत ठीक कैसे हम कर सकते हैं, पूरा गर्म पानी लीजिए और इसमें 1 चम्मच नमक डालिए, घर के जितने भी ब्रश है सभी ब्रश को आप बीच बीच में हर हफ्ते में 1 बार जरूर गर्म पानी में डुबा के रख लीजिए, इससे बहुत सारे काम हो जाएंगे, 3-4 काम। एक तो हमारे ब्रिसल्स थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा जो बहुत ही फैल जाता है, और ब्रश को साफ करने से जो उसके अंदर थोड़ा बहुत खाना भी चिपक के नीचे रह जाती है वो भी गर्म पानी और नमक की वजह से निकल आती है, और थोड़े बहुत जर्म्स भी हो जाते जो हम ब्रश करते है, थोड़ा थोड़ा खाना ब्रश के अंदर घुस के रहता है, जो इससे जर्म्स क्रिएट हो जाते है, कीड़े हो जाते हैं, वो मर जाएंगे और हेल्दी भी है हमारे के लिए। तो बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरह। अगला यूजफुल टिप्स दोस्तों, देखिए हमारे आटे की थैले को लेकर है। आटा की थैला जब भी हम खत्म निकाल देते हैं डब्बे में कंटेनर में, तो हम थैले को अक्सर फेंक देते हैं। कभी भी आप आटे के थैले को कभी मत फेंकिए, इसमें मल्टीपल यूज हो जाती है। आज मैं छोटा सा यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आटे की थैला है, उसको काटिए मत, इस तरह से रख लीजिए। आटे की थैले को आप ये एक यूज कर सकते हैं। देखिए घर पे जब भी हमारे घर पे एक्स्ट्रा टैंकी होती है, हम एक लगाते हैं और दूसरी वाले टैंकी को ऐसे रखते हैं, वो फुल टैंकी हो सकता है और खाली वाला टैंकी भी हो सकता है। इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, आटे के थैले के ऊपर हमेशा टैंकी को रखिए। इसे अगर फुल टैंकी आप लोग रखे है तो फ्लोर की ठंड की वजह से गैस बैठ जाता है, और इसके नीचे आप आटे की थैला रख देंगे तो गैस बैठेगा नहीं, और खाली टंकी रखते हैं तो टंकी के निशान फ्लोर पे होके, फ्लोर खराब होती है, टंकी के निशान खत्म नहीं होती है, तो आप अगर थैले के ऊपर रखेंगे तो निशान तो एक नहीं होगी, आपको टंकी खिसकने में बहुत ही मदद होगी और नीचे फ्लोर खराब नहीं होगा। तो बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला यूजफुल टिप्स तो बहुत ही हेल्पफुल है, सभी घरों में ये बहुत ही यूजफुल है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप वॉशिंग मशीन में फ्रंट हो, टॉप हो, कुछ भी वाला वॉशिंग मशीन हो, जब भी आप कपड़े साफ करते, स्पेशली जब भी बेडशीट वगैरह, टॉवल, छोटे छोटे कंबल साफ करते, इस तरह से इसको अच्छे से सेट करके डालिए, और डालने के बाद इसको इस तरह से गोला करके कभी मत डालिए, उसके अंदर अच्छे से साफ भी नहीं होती है। तो देखिए मैंने पहले से पतले वाले कंबल और दो एक दो बेडशीट्स और ये वाला बेडशीट सब 4-5 मैंने डाल दी है, इसको अच्छे से सेट कीजिए। और देखिए मशीन में हम जब भी कपड़े साफ करते हैं, एक चीज हम क्या धोबी डालते हैं, बहुत ही अच्छे से उन लोग की सफाई हो जाती है, हम लोग की नहीं होती है। मशीन में जितना कुछ भी हम डाले, हमारे कपड़े ठीक से साफ नहीं होती है। मैंने देखिए इस डब्बे में एक पाउडर है, इस पाउडर को मैं हाथ में लेके, हाँ आप अपने हिसाब से नाप के डाल सकते हैं, इस तरह से आप डाल दीजिए, अगर चाहे तो ट्रे में डाल सकते हैं, नहीं तो सॉक्स में डाल के डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, कैसे भी इसके अंदर डाल सकते हैं। डालने के बाद आप मशीन बंद करके चालू कीजिए, आपकी इस कपड़े इतनी सुंदर से साफ होगी आप खुद सोच नहीं सकते। सिर्फ सर्फ डालने से कपड़े साफ नहीं होते हैं हमारे, थोड़ा बहुत हमें ट्रिक यहाँ पे लगानी पड़ती है। आप हाथ में साफ करें या वॉशिंग मशीन में साफ करें, कपड़े हमेशा कम साफ होती है। वॉशिंग मशीन में तो बहुत सारे कपड़े साफ भी नहीं होते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे डिटर्जेंट सर्फ ले रही हूँ, अगर आप बड़े वाले सर्फ यूज करते हैं तो सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 पैकेट हो, 3 पैकेट हो, 4 पैकेट हो, 1/2 kg हो, 1 kg हो, कुछ भी हो, उसके हिसाब से आपको ये एक चीज इसमें डालनी है, जिससे कि आपकी कपड़े की साफ जो बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी, कपड़े में जो एक्स्ट्रा दाग धब्बे होते हैं वो भी निकल जाएंगे और कपड़े खराब बिल्कुल नहीं होंगे। तो उसके हमें क्या करना होगा, तो जब भी आप सर्फ निकालते हैं, आपकी डब्बे में, आप कंटेनर में, बॉक्स में, कहीं पे भी सर्फ रखते है वॉशिंग मशीन के लिए यूज करते, कोई भी सर्फ आप इस्तेमाल करते है, लेकिन स्पेशली मैं एरियल इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि एरियल की जो खासियत है बहुत ही अच्छी है,
और वो भी वॉशिंग मशीन में जब भी हम कपड़े डालते हैं तभी भी जो डिटर्जेंट आपको डालनी है एरियल में बहुत ही अच्छी से मेरी साफ हो जाती है, और इसके बावजूद भी मैं उसमें कुछ डालती हूँ ताकि बहुत ही अच्छे से हो जाए। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो करती हूँ वही मैं बोल रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि देखिए हम पहले सर्फ को अपनी डिब्बे में बॉक्स में डाल देते हैं, पैकेट में हम बॉक्स से निकालेंगे, उसके बाद ही हम वो चीज मिलाएंगे जो हमारे कपड़े को बहुत ही अच्छे से साफ करेगी। और व्हाइट सफेद वाले कपड़े तो बहुत ही अच्छे से साफ होती है, बेडशीट हो, तकिए की कवर हो, पिलो कवर हो, पतला कंबल हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपके बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो जाती है वॉशिंग मशीन में। कपड़े अब अगर हाथ में करते तो वो बहुत ही अच्छा होता है। इसमें क्या करेंगे, एक इनो की पाउच लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा माप के आपको डालनी होगी। दो पैकेट सर्फ में मैंने एक पैकेट इनो मिलाया है, तो आप उस हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं। अगर आप 500 ग्राम मतलब हाफ केजी की सर्फ डिब्बे में रख रहे हैं तो उस हिसाब से उसको आपको ढाई इनो डालनी होगी, मतलब ढाई पैकेट, दो पैकेट और एक पैकेट की आधा, बस उसको डाल के अच्छे से मिक्स 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 करना है उसको। जो इनो की जो चीजें इसमें है सर पे मिल जाएगी, और ये जो साफ करने के टाइम कपड़े को और ज्यादा साफ करेगी और कपड़े हाइजीन होगी। इसमें नींबू की खासियत है, वही चीज आप वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये एक डाउट भी रहेगी क्योंकि हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। नहीं दोस्तों, इनो एक ऐसी चीज है, हमारी चीजें खराब नहीं होती है बल्कि बहुत ही सही तरीके से काम हो जाती है, तो आप बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरह से आप यूज करके अपनी चीजों को साफ कर सकते हैं कहीं पे भी, हाथ से हो मशीन में हो। कैसा लगा आज का वीडियो कॉमेंट में बताए। चलिए मिलते कल की वीडियो में।